बजाऊं गाने में शोर से, अंदाज मेरा ऐसे करूं नोटों की शावर, बंदा में विशाल फुल पावर, मिलेगा ना कोई मेरे जैसे जाके पूछ ले, बाकी बंदे बक्ते बहुत हैं। अबे ये क्या कर रहा है, पोते पे हाथ रख के साला रैपर्स क्या स्वैगपंती दिखाते हैं कि साला कोई तुम्हारा गोटा काट के दीपक कलाल को गिफ्ट कर देगा। घर में मेरे लोड़े लग गए। कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। हजरात स्वागत है गुरु, एक ऐसे यूट्यूबर जो कि कहता है कि वो दिल्ली का सबसे बड़ा व्लॉगर है। देखो तो इंडिया में शूट करते रहते, तो आज दिल्ली में शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने दिल्ली का कहते हैं हम सबसे बड़ा व्लॉगर ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा कि भाई आ जाओ ये वो, दिल्ली का कहते हैं हम सबसे बड़ा व्लॉगर, जो कि कंटेंट बेस्ड व्लॉगिंग करता है। जो कंटेंट बेस्ड व्लॉगर है वो बहुत चुनिंदा से हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मेरे जो मोस्टली व्लॉगिंग है वो कंटेंट बेस्ड व्लॉगिंग रहती है। चाहे हफ्ते में दो व्लॉग डालू लेकिन कंटेंट वाले डालूंगा, लाइफस्टाइल वाले मेरे को। जिसकी अपने सारे दोस्तों से लड़ाई हो चुकी है, हाँ गौरव जोन, मेरा मतलब है कि हम इन्हें प्यार से गोबर जोन भी कहते हैं। देख जिगर के छल्ले, देख जिगर के छल्ले, तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले, तेरे भाई की बल्ले बल्ले। तो पहले मैं भी यार इसके खूब व्लॉग्स देखता था, मगर जब फेंकते फेंकते साला फेंकने की सीमा ही समाप्त हो गई, तब मैंने भी सोचा यार साला अब जरूरत से ज्यादा हो रहा है, अब इसकी बकचोदी अपरंपार होती जा रही है। जैसे गिफ्ट डैड को आईफोन गिफ्ट देना, हायाबुसा, कावासाकी और दीपक कलाल। तो गुरु यहीं तक नहीं, गौरव जोन को हर पुराने इसके दोस्त यूट्यूबर ने एक्सपोज किया है, तो आओ निकलते हैं आज की तलाश में। तो गौरव जोन को एसआरवी व्लॉग्स ने एक्सपोज किया। अब एसआरवी ने कहा कि ये लड़कियों के साथ गलत सीन करता है, वो ये लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था बहुत सारी लड़कियों के साथ, और इसका मेरे पास प्रूफ भी पड़ा है। मैं लड़कियों को बदनाम नहीं करना चाहता, बट मैं एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ एक लड़की का, उसका नाम ऐड करके, तो पढ़ लो। तो स्क्रीनशॉट देख लिया, ये लड़कियों से ऐसे बात करता है और उनको अपनी फेम की लालच देके पास बुलाता है और फिर उनके साथ गलत काम करके उनको छोड़ देता है, ये इसकी सबसे बढ़िया टेक। और यही चीज हमारे सूर्यांश व्लॉग ने भी बताई है। लड़की पर नजर होती है, जहां चले जाओ। ऐसा इसने थोड़े दिन पहले काम करा गुड़गांव में कहीं, इसने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी, वहां से लोगों ने पीटा, लिटरली बहुत मारा, ये टूटा फूटा मेरे घर पे आया। और इसके बाद गौरव जोन अपनी वीडियो ग्लिश करता था ट्रेंडिंग में लाने के लिए। सर मुंबई कट निकल भाई, फ्लाइंग बीच सर, इन सबकी वीडियोस ट्रेंडिंग में, मुंबई कट निकल फ्लाइंग बीच तक की नहीं आ रही भाई, और इसकी आ रही है, आधे के आधे भी उस पे आ रही है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे आती है भाई, क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको सच क्या है भाई, इसके पास एक बंदा है, उस बंदे का मैं नाम नहीं ले रहा कि वो बंदा फिर भी ठीक आदमी है, मगर वो बंदा काम गलत ही कर रहा है इसके लिए। उसने एक हैकर बिठाया हुआ है अपने पास, जो जब भी इसकी वीडियो अपलोड होती है उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग करके, हैकिंग टूल्स यूज करके वो वीडियो ट्रेंडिंग में लाता है। यार अपनी मेहनत से आओ ना भाई ट्रेंडिंग में। ये अपनी वीडियो जुगाड़ से ट्रेंडिंग पे लाता था, ये इसी ने नहीं एंडी गुज्जर ने भी बताई है, और एंडी भाई को भी धमकियां आई थी, और आप चाहे तो ये पूरी उसकी सीरीज है वीडियोस की, आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं एक बात तो है, गौरव भाई हमारे क्लिक बेट तो धनाधन करते हैं, क्योंकि हमारे गोबर जोन चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। और इसका एक और पुराना दोस्त यूट्यूबर, इसने भी इसको एक्सपोज किया है। उठाए हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, वो एक ब्रांड प्रमोशन था जिनसे इसने 1,00,000 रुपए लिए थे उनसे, ब्रांड प्रमोशन वालों से, ठीक है, प्रमोशन करने के। तो वो वीडियो गाइस पूरी फेक थी, कि बच्चों को थार में ले गया इसने, आकाश को भेजा, गंजे ने आकाश को भेजा कि जा मतलब बच्चे ढूंढ के लेगा, हमें कहां से गरीब बच्चे मिल सकते हैं, उन्हें थार में बिठाया, बच्चों को इसने यूज करा, वहाँ 5-star होटल के अंदर, 5-star होटल तो खैर नहीं था वो, पूरे एक रेस्टोरेंट ही था, वहां पर लेके गया। वो एक पूरा ब्रांड प्रमोशन था, वो फेक वीडियो थी, इसने इसके अब इसने अपने दिल से कुछ भी नहीं करा, मतलब इसके पैसे नहीं लगे जेब से, सारा करा वो रेस्टोरेंट वालों ने करा, इसको इसके अपने पैसे मिल गए। अगर गाइस उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे
तो उस वीडियो के अंदर इसने पूरा एड्रेस डाला हुआ है, पूरे रेस्टोरेंट का इसने पूरा एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। एड्रेस इंसान जब डालता है जब एक ब्रांड प्रमोशन होता है या फिर पब्लिक की हेल्प करनी हो, ठीक है। और ये तो कभी हेल्प करने से रहा तो वो था इस ब्रांड प्रमोशन फेक वीडियो थी। अब एक्सपोज करते करते गौरव जोन के माशाल्लाह कंटेंट पे आते हैं। डेली ब्लॉगिंग के नाम पे भाई के घर में भूत आते हैं। एक्टिंग के नाम पे ये कुत्ते के सामने मरने की एक्टिंग करते हैं। Really, nigga? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रे। और भूत भगाने के लिए हवन करते हैं, वाह बेटी चोद वाह। और साला दीपक कलाल के नाम पे स्पेशल व्लॉग्स भी बनाते हैं। यहाँ तक साला दीपक कलाल के पाताल लोक में रहने वाले मीठे सब्सक्राइबर तक को इससे इस नहीं बख्शा अपने आप में जोड़ने के लिए। इसका उसको शौक है गोभी खोदने का। तुम बारिश, खोदोगे बारिश बारिश। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हें आती है खोदनी तो गोभी तो पेश करो। तो आपकी नेक्स्ट फिल्म किसके साथ आ रही है और कौन सी आ रही है? वेल, मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वो करण जौहर के साथ आ रही है और मेरे फिल्म का नाम है दोस्ताना टू। और गौरव जोन ये कहां हाथ पैर पर लगा रहा है? भाई चिंता मत कर, ये तेरा उखाड़ कर नहीं ले जाएगा। ये देख रहा है भाई आपके कंटेंट बेस व्लॉगर को दीपक कलाल के साथ स्पेशल व्लॉग बना रहा है। और नहीं भाई, फ्लाइंग बीच तो चूतिया है। तो गुरु इसकी एक वीडियो भी थी जिसमें इसने फ्लाइंग बीस्ट को कुछ अनाप शनाप भी बकाया है। भाई ऐसे कंटेंट है ना उसकी, वो हर व्लॉग में अपनी बीवी पादरी बीवी हग रही है मेरी। मेरी बीवी ने मेकअप नहीं करा ना, मतलब भाई फ्लाइंग बीस्ट का बैंड मुझे लग रहा है उसके साथ दिखाया हमें यूट्यूब फैन फेस्ट में। यार देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये लोग कंटेंट बेस्ड व्लॉगिंग करते रहेंगे और अब हम इनकी लेते रहेंगे। तो खत्म करो वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाना। और मैं भी चलता हूँ साला, घर में मुकेश भाई की आत्मा बुलानी है। खत्म करो भाई, खत्म करो। के बाद ही पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसरी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का चोरे मादा चोरन की। चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी।